truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. Hello, hi, good morning, welcome back to my channel. तो आज तबीयत थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा सा साफ कर पाया मैंने ये देखिए थोड़ा सा साफ किया मतलब, बट इधर तो पूरा कचड़ा भरा हुआ है एक तरीके से और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इसको साफ़ करूं। और मेरे काम हो गए हैं आधे पद्दे होते हैं काम तो मेरे, मतलब मैंने कुछ खाने में भी ऐसा नहीं बनाया, खाली तोरी बनाई है क्योंकि टेस्ट ही नहीं अच्छा है यार, कुछ भी खा रहे हैं ना अच्छा ही नहीं लग रहा, इतना गंदा गंदा टेस्ट लग रहा है। तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है और उसके लिए बनाई थी सिर्फ तोरी और झाड़ू लगाया बस, और नहा के उसको नहलाया, उसको दवाई पिलाई है फिर से मैंने, बस यही चल रहा है। और मैंने पूछा तो पता नहीं कितने, एक हफ्ता हो गया होगा तब से नहीं लगाया। तो अभी भी पराठा खा के आया ना, इतना गंदा गंदा टेस्ट था उसका, समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं। और 12 बज गए और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये सबसे साफ़ करूं यार, मैं सोच रही हूँ ये कैसे साफ़ होगा, मेरे को तो दिवाली पे लगा है कि मैं दिवाली पे कैसे साफ़ करूँगी ये सब, तो समझ में नहीं आ रहा है। और दो चार दिन से ना मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था, ना वीडियो बन रही थी ना रील बन रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कुछ करा भी है ना तो मैंने शूट भी नहीं किया है, इसी चक्कर में कुछ किया ही नहीं है ऐसा, तो सिर्फ झाड़ू लगाया और सब्जी बनाई सब, और बर्तन अभी भी डले हुए हैं, बर्तन भी आजकल मैं शाम को धोती हूँ या फिर पूरा रात में धोती हूँ, तो पूरा सिंक भर जाती है ऊपर तक। ऐसे टाइम पे ना मम्मा की बहुत याद आती है यार क्या करे, बट अकेले रहो। अभी मेरे को 12 बज गया पराठा खाने में, जब बनाओगे तब खाओगे वरना बैठे रहो। मैंने पहले उसको खिलाया, उसने भी आधी रोटी भी नहीं खाई ढंग से, तो आधी रोटी भी नहीं खाई और फिर मैंने पराठा बनाया, मेरे को 12 बज गए मतलब पूरा खाने में अभी। और कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल अपडेट, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा ढंग का, तो मैं क्या करूं। 3-4 दिन की छुट्टी थी, सोचा था कहीं चले जाएंगे घूमने घामने, बट तीनों ही बीमार और संडे को वैसे ही सब बंद रहता है ये, यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा, छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई, कहीं जा पे भी नहीं पाए। और मैं ना थोड़ी देर में बात करती हूँ, मेरा बच्चा भाग गया है आंटी के पास, वो भी परेशान है बेचारा, उसको ना फीवर आ रहा है तो उसका भी मन नहीं कर रहा है, मतलब उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं क्या। तो वही अभी गया, मम्मा गेट खोल दो बाहर खेलेंगे, मजबा बाहर आंटी के पास गया खेलने के लिए। चलिए मैं बाद में बात करती हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ निकल रही है कि नहीं निकल रही है कुछ पता नहीं। तो अभी बारिश बंद हो गई है और टाइम हो रहा होगा आई थिंक 1 बज रहा होगा, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और ये बारिश बंद होने के बाद का जो मौसम होता है वो है, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं बहुत। बेटा मज़ा आ रहा है? हाँ, इसके लिए ये परफेक्ट झूला है, इसमें आ जाता है आराम से और आराम से लेट के दूध पी रहा है काना लाल देखो कितने मज़े ले रहा है। मम्मा तो ऐसे आ भी नहीं पाएगी इसमें, लल्ला ऐसे लेट के दूध पी रहा है। और पियो बस इतना ही पीना था, बस अब कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है?
अरे भैया गिर जाओगे। ये क्या कर रहे हो गंदी बात। आ जा। आउच लल्ले, तूने मारा मम्मा को, चोटू लगा दी मम्मा के। देखो 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 देखो, इधर आओ, इधर पहले, इधर आओ पहले, मम्मा पारी करो। ए मम्मा पारी कर दो, पिल्लू पारी, मम्मा पारी, इधर पारी कर दो भैया। भाग गया, बिल्कुल नहीं सुन सकता। और अभी बज रहा है 1:15 हो रहा है। तो अभी मैं शाम को सब्जी बना रही हूँ ये, क्योंकि सुबह कुछ बनाया नहीं था और मैंने कैमरा ऑन करके लगाया ही नहीं, आधी सब्जी बना दी और आधी बाद में देखा कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, कुछ कैमरा बंद है। इतना दिमाग ख़राब रहता है मेरा। तो मैंने कुकर में वही तेल डाल के प्याज लहसुन टमाटर और सारे मसाले ऐड कर दिए, बस वही पक रहे थे। और उसके बाद मैं बना रही थी मटर आलू, क्योंकि मटर रखी हुई थी फ्रिज में पैकेट वाली, और मेरे को और कुछ समझ में नहीं आया। और यही जल्दी बन जाती कुकर में थोड़ा, और कढ़ाई में बनाती ना तो फिर और 1 घंटा लग जाता बनाने में ही। इस चक्कर में मैंने कहा लाओ यही बना के देखते हैं आज, तो यही बनाई मटर आलू। तो ज़्यादा बनाई भी नहीं थी, एक एक या 1.5 कटोरी होगा। और इसके बाद मैंने उसमें आलू और मटर वटर सब डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं और इसको बंद कर दूँगी। बस 2-4 सीटी आएंगी और सब्ज़ी तैयार, धनिया डाल के आगे दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। तो ये सब्जी बन के मेरी तैयार हो गई। मैंने थोड़ा ना ग्रेवी मतलब रसा वाली बनाई थी, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए थे, मैं सूखी 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 खा रही थी। इस चक्कर में मैंने थोड़ा कहा कि लाओ एक ही रोटी खानी है तो ढंग से बना लेती हूँ सब्जी। और ये सब्जी मेरी तैयार है। मामा, हाय गाइस, बिटू हाय करो, हाय हाय गाइस, कैसे हो सब, कैसे हो सब, बोलो। गधा, तो ना सुबह के बाद व्लॉग अब बनना, सुबह के बाद कुछ भी नहीं किया और सुबह कुछ खाया भी नहीं, वही पराठा खाया था बस 1-12 बजे, और कुछ नहीं खाया। भूख भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है। ये मेरा कमजोरा नन्नू बच्चा, ये मेरा नन्नू बच्चा, ये भी नहीं ढंग से खा रहा है, कोई भी ढंग से नहीं खा रहा है। इसीलिए मैंने आप अभी आपने देखा मैंने बनाया मटर आलू, छोटा आलू था उसी का, बस उतना ही आलू, 1.5 कटोरी सब्जी होएगी मुश्किल से। कोई खा ही नहीं रहा यार, मंचूरियन पैक करवा के लाया वो भी इतना गंदा लग रहा है इनको, मैंने भी नहीं खाया वो भी ऐसे ही डला हुआ है। और अभी आ जाएंगे तब रोटी बनाऊंगी तभी ये खाएगा। बड़ा खुश हो, क्या बात है बेटा, खुश हो। अरे मम्मा को पारू कर रहा था अभी, मम्मा से, अरे मेरे से कह रहा था मम्मा मम्मा बहुत क्यूट है। क्या लगी, नहीं लगी, कैसे कह रहा था बेटू मम्मा को, कैसे कही थी लल्ला ने, मम्मा क्यों तू, अच्छा। अब मेरा तो व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। और मेरा बेटा, ये मेरा कन्हैया आ गया मम्मा के पास। और अभी करवा चौथ का कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ है, कुछ भी कुछ नहीं हुआ अभी फिलहाल, है ना। पता नहीं करवा चौथ कैसे रखेंगे, तबीयत ही नहीं सही लग रही। और ये मेरा बच्चा भी दिन में सो जाता है। मतलब जब से ये बीमार पड़ा ना, अभी
इसको फीवर आया 2-3 दिन से, तब से ये दिन में अपने आप सो जाता है। वैसे ये दिन भर नहीं सोता था। तो मटर आलू बन गया है, आएंगे तो रोटी बनाऊंगी, एक आध एक ही आध बनेगी बस, इससे ज़्यादा बनेगी नहीं। वो बनाऊंगी, पूरा सिंक भरी हुई है बर्तन क्लीन करने के लिए। सुबह करे नहीं थे मैंने आपको, जैसे बताया था मैंने बर्तन रह गए हैं अभी क्लीन करने के लिए, तो सुबह नहीं किया मैंने। फिर मैंने कहा लाओ रील बना लेती हूँ एक आध, क्योंकि बहुत दिन हो गए रील भी नहीं बनाई थी। तो बड़ा मुश्किल से तो मैं बैठ के रील बना पाई हूँ। मेरे हाथों की हालत देखिए, नहीं समझ में आ रहा होगा कैमरे में फ़ोन में, बट ऐसे हो गए ड्राई एकदम, मतलब सूखे सूखे वाले साबुन की वजह से। और मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। जो मेरा चुगलू पांडू, मेरा चुगलू पांडू, चुगलू पांडू तुम्हारा वो कहाँ गया बेटा, चाय बनाने वाला, चाय बनाने वाला कहाँ गया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अरे उसमें चाय, वो कल एक बॉल खरीद लाया छोटी वाली पिंक वाली, वही उसमें रख देता है। अरे नाश्ता बना रहे, नाश्ता नहीं मम्मा नाश्ता बनाते हैं, है ना? ये भी नहीं खा रहा है खाना ढंग से, इस चक्कर में कुछ बन ही नहीं रहा है। मतलब दाल चावल, सर्दी हो रही है सबको, इस चक्कर में और नहीं बनाती मैं। और अभी बज गए 8 और मेरा काम हो पाएगा 9, 9:30, 10 बज जाएगा मेरे को करते करते। सिंक भर के बर्तन हो रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत किचन की तो हालत ऐसी हो रही है, क्या बताऊँ क्या, पूरे घर की हालत ऐसी हो रही है, समझ में नहीं आता मेरे तो मैं कैसे इसको सही करूँगी, काम कैसे करोगे। देखो क्या पूरा सिंक विंक सब भर रही है, पूरा पूरा वो भर रहा है। अभी उधर और रखे हुए हैं, इधर ये वाले खाली करने पड़ेंगे। बहुत ही बहुत ही काम है भाई। और मैंने अभी बैठे बैठे परवल काट दिया, इसको मैंने काट दिया, मैंने कहा सुबह बना दूँगी, क्योंकि मैं अपना सारी सब्जी जो है वो रात को ही काट के रखती हूँ, सुबह सिर्फ बनाना रहता है मेरे को। मतलब प्याज व्याज काट के, प्याज काट के और बस डाल दो, और आलू होता है तो वो काटना पड़ता है क्योंकि आलू ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इस चक्कर में नहीं काट के रखती मैं। और तोरई और ये लौकी ये सब होता है ना, भिंडी ये सब काट के रात में ही रख देती हूँ। तो अभी मैं ये खोल दिया। क्या खोल दिया? ये खोल दिया मैंने, अरे मैंने परवल काट के रखा जब तक वो वाली सब्जी बनी तब तक। ये खोल दिया। हाँ बेटा मटर ने खोल दिया, देखो घर की हालत। मटर ने खोल दिया जे, मैं तो लग समझ में नहीं आता मैं करवा चौथ पे कैसे, मतलब करवा चौथ कह रही हूँ दिवाली पे कैसे साफ करूँगा मैं। मेरे को देख देख के दिमाग खराब हो रहा है, मैं पहले इतना काम कर लेती हूँ, अब काम ही नहीं हो रहा, तबीयत खराब है एक तो, ऊपर से काम नहीं हो रहा मेरे पे। मेरे को समझ में नहीं आता मैं कैसे साफ करूँगी दिवाली पे। बेटा चलो बाद में बात करेंगे, चलो बाय बाय, चलो बाद में बात करेंगे, बोलो चलो बाद में बात करेंगे, बाय बाय करेंगे, बाय अभी थोड़ी देर में करेंगे, कह दो थोड़ी देर से कुछ कर गए। मेरा गधेलू है, मेरा गधेलू बच्चा है, मम्मा का गधेलू बच्चा है। चलो दवाई पिला दे तुमको। हाँ चलो चलो हम इसको दवाई पिलाते हैं, तब तक बाद में मिलते हैं। तो मैंने ना सिर्फ ये फोन इसलिए उठाया कि मैं ये दिखा पाऊँ, ये खीर आई है ऊपर से। बस मैंने इसीलिए फ़ोन उठाया था, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हम आते हैं बर्तन धोने के ऊपर, मतलब पूरा सिंक विंक सब भरी हुई है इधर, पूरा स्लैब इस पर भी बर्तन रखे हुए हैं बहुत सारे। और मेरे को ना इसको धोने में ना आधा घंटा, पूरा आधा घंटा
मेरे को लग गया था बर्तन धोने में। मतलब ये जो बर्तन धोने वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है ना, तो इसमें पूरा आधा घंटे की रिकॉर्ड हुई है। अब बताइए। और मेरे ना किचन में कैमरा, मतलब फ़ोन रखने की जगह नहीं है। मैं फ़ोन कहाँ रखूँ मेरे को समझ में नहीं आता। कभी मैं गैस के ऊपर रखती हूँ, कभी इधर रखती हूँ, कभी उधर रखती हूँ, लेकिन प्रॉपर जो मतलब दिखाई देता है ना कैमरे में, वो पता नहीं समझ में नहीं आता। कुछ जगह ही नहीं है कि कहाँ रखो, और फिर ना रखो भी तो ना प्रॉपर लाइट नहीं पड़ती है कैमरे वो उस चीज़ पर कि हाँ वो प्रॉपर शूट हो जाए अच्छे से। इधर रखती हूँ क्योंकि जो लाइट है वो बीच में टंगी हुई है, जो पहले के ज़माने में जो बीच में टांग दी है तार लगा के। मतलब वैसे नहीं है कि आप दीवार में होल्डर लगाए तो आप इधर भी लगा लो बल्ब, इधर भी लगा लो, बस बीच पे तार लटका दिया, उसी में होल्डर है, बस उसी पे ही बल्ब लगा हुआ है। इस चक्कर में एक ही बल्ब लग सकता है और एक्स्ट्रा मैं लगा नहीं सकती। या तो पूरा फिटिंग करवाओ दोबारा से बुला के उसको, तब कहीं जाके मतलब लाइट लगा पाओगे या बल्ब लगा पाओगे। इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ो यार, जैसा है वैसा है, क्या कर सकते हैं। तो ये थे बर्तन जो कि आधे आधे थे, ये मतलब आधे खाली नहीं किए थे। अभी मैं ये सब खाली करूँगी, दूध वाला भगोना खाली करके धो के फिर उसमें दूध पलटा मैंने, और फिर बाल्टी फिर वो वाली खाली हो गई दूध वाली, और कुकर भी खाली करने को डला हुआ, उसमें भी सब्जी रखी हुई थी थोड़ी सी, और बस यही चल रहा है। काम करते रहो, आधे घंटे की वीडियो बन गई। मैंने तो बाद में देखा, मेरे को बाद में समझ में आया अरे इतना लंबा वीडियो हो गया ये, कितना स्पेस मेरे को छोटा कर करके करना पड़ेगा इसको। तो बस यही बर्तन धो रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं टावल बांध के बर्तन धोती हूँ, लेकिन फिर भी टावल बांधने के बाद भी मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और ये वाले जो टॉप मैंने पहना हुआ है ना, ये भी गीला हो गया था और शॉर्ट्स भी गीले हो गए थे। मतलब फिर मैंने बाद में जब पूरा बर्तन वर्तन धो के क्लीन कर लिया किचन, तब मैंने कपड़े चेंज करे आके सारे अपने, और उसके बाद और मैं ग्लव्स पहन के काम करती हूँ। मतलब जो भी साबुन वाला काम होता है, बर्तन वर्तन धोने होते हैं, तो वो वाला काम मैं ग्लव्स पहन के करती हूँ। और ये आए थे, पता नहीं कुछ लेने के लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे, कुछ कर रहे थे शायद, मेरे को नहीं पता। मैं अपना बर्तन धोने में लगी हुई थी और काटा है। अरे तो सुई लगा दो इसके, उसके आके काहे को फोड़े दे रहे है लल्ला, सुई लगा दो, सुई ऐसे लगाओगे गदेली है, गदेली बस है बेटा, बस अब नहीं लगाओगे, पूरा भीग गया फिर।